खबर अमरपाटन से मिल रही है, जहां गेहूं की फसल में आग लग गई। करीब 3 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। तेज हवा के चलते लगातार यह आग फैल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई है, जो आग बुझाने का फिलहाल प्रयास कर रही है। तेज हवा के चलते बताया जा रहा है, लगातार आग फैलती ही जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम के जो कर्मचारी है, फायर कर्मी, वो आग बुझाने में अब जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, काफी भयावह, दूर से ही आप देखिए आग किस तरह से फैल गई। काफी नुकसान हुआ इस आग से। तो देखिए, ये तस्वीरें अमरपाटन की है, जहां किस तरह से भयावह आग लग गई और काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़े दायरे में यहां पर आग लगी है। करीब 3 एकड़ की फसल जलकर बताया जा रहा खाक हो गई है इस आग लगने से। काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि फायर कर्मियों को सूचना दी गई, उसके बाद यहां पर फायर कर्मी पहुंचे, लेकिन काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में आग जो फैली है, जिस क्षेत्र में लगी है वो एक बड़ा क्षेत्र है, और आग चूंकि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि हवा तेज़ी से चल रही है, ऐसे में टीम के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। ये इस आग पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती होगा। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमरपाटन, इटारसी और बंडा की, जहां आप देखिए किस तरह से आग ने यहां कोहराम मचाया, काफ़ी नुकसान हुआ है, और यहां पर देखते ही देखते आग तीनों ही जगह फैल गई, क्योंकि तेज़ हवा भी चल रही है, दोपहर का वक्त है। हालांकि अलग अलग जगहों पर प्रयास भी किए गए आग को बुझाने के, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है इस आग को बुझाना, क्योंकि हवा जब चलती है तो आग फैलती ही जाती है।